करते हैं और उसका मेन पर्पज़ क्या है, ठीक है। ये पेपर में मोस्टली पूछा ही जाता है, चाहे आप DRDO देख लो, सेल, भेल, IOCL, सारी जगह इसरो में भी देख लो, ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कि ट्रेमल का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ट्रेमल के बारे से। ये एक क्या है, मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है और इसका उपयोग हम लोग बड़े साइज के वृत्त या फिर चाप काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर छोटे साइज के वृत्त और चाप की बात की जाए तो किसका उपयोग करेंगे, डिवाइडर का। यदि बड़े साइज के वृत्त और चाप खींचने की बात की जाए तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, ट्रेमल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा, वृत्त, बड़े वृत्त, ठीक है, बड़े वृत्त और चाप के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ट्रेमल का उपयोग किया जाता है। यह एक मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है और इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। एक सॉलिड बीम होता है और बीम के ऊपर में दो स्क्राइबर्स लगे होते हैं। स्क्राइबर को ऐसे कहीं पर भी एडजस्ट करने के लिए, इस डायग्राम को देखिए, एक होता है क्लैंपिंग स्क्रू, दूसरा बीम और तीसरा डिवाइडिंग पॉइंट और स्लाइडिंग हेड, कैरियर और फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है। तो जब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, ये दो स्क्राइबर्स को हम लोग कहाँ पर, सॉलिड बीम के ऊपर क्या करते हैं, आगे या पीछे मूव कराते हैं, ठीक है। कहीं पर भी मान के चलो कि 10 mm साइज का आपको अगर मार्किंग करना है तो क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को 10 mm पर सेट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वृत्त या फिर चाप काटने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ट्रेमल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, आगे इसका भी बताऊंगा और मैं क्या पूछते हैं। तो पहले देख लेते हैं इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर दो स्क्राइबर को फिट किया जाता है, साथ ही साथ इस सॉलिड बीम पर एक स्लाइडिंग हेड होता है। स्लाइडिंग हेड में हम लोग किसको फिक्स करते हैं, स्क्राइबर को फिक्स किया जाता है। और जनरली इसका मटेरियल पूछा जाता है, स्क्राइबर का मटेरियल क्या होना चाहिए या फिर बीम का मटेरियल क्या होना चाहिए, उसके बारे से भी बताऊंगा। साथ ही साथ में एक कैरियर होता है जो कि फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के साथ जुड़ा होता है। ये क्या करेगा, जब भी हम लोग किसी वृत्त या सर्कल को बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए मेजरमेंट के लिए हम लोग स्टील रूल का उपयोग करते हैं। तो जब स्टील रूल से हम लोग सही साइज को नापेंगे और थोड़े से फाइन एडजस्टमेंट के लिए उसकी त्रुटि को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का उपयोग किया जाता है ताकि उस पर कोई भी त्रुटि ना हो डायमेंशन से रिलेटेड। तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का उपयोग किया जाता है और ये कैरियर के साथ अटैच होता है। कैरियर के साथ अटैच होने की वजह से इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, शुद्धतम माप तक मार्किंग कर सकते हैं या फिर चाप खींच सकते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग हेड, यहाँ पर दो स्लाइडिंग हेड होगा, एक और दो। तो ये दोनों स्लाइडिंग हेड क्या करते हैं, कहीं पर भी इसको खिसका करके हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर इसके साइज को कम या फिर ज़्यादा करने के लिए हम लोग इस स्लाइडिंग हेड का उपयोग करते हैं। यहाँ पर दो क्लैंपिंग स्क्रू भी होता है। इस क्लैंपिंग स्क्रू का काम होता है कि कहीं पर आप उसको स्लाइड करने के बाद उसको स्क्राइबर को वहीं पर क्या कर सकते हो, क्लैंप कर सकते हो, इसीलिए वहाँ पर क्लैंपिंग स्क्रू दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पर मटेरियल ऑफ बीम, बीम का जो मटेरियल होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है। तो जनरली जो बीम होता है वो किससे बनाया जाता है, स्टील से बनाया जाता है। बीम का मटेरियल क्या रहेगा, स्टील का रहेगा और ये एक सॉलिड बार होता है जिसके ऊपर पर दोनों स्लाइडिंग हेड क्या होते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफ स्क्राइबर, स्क्राइबर तो जान ही रहे हो, हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और इसके पॉइंट को हार्ड वार टेम्पर किया जाता है और इसका जो ग्राइंडिंग का पॉइंट होता है ये रहता है 12 से 15 डिग्री तक इसका ग्राइंडिंग एंगल होता है। नेक्स्ट है BIS के अनुसार जो ट्रेमल का साइज होता है वो कितना रखा जाता है। तो BIS के अनुसार, BIS मतलब क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और उसके अनुसार जनरली जो ट्रेमल का साइज होता है वो 15 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब 15 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक होता है। अगर mm की बात की जाए तो 150 mm से लेके ये कितना रहेगा, 500 mm तक के साइज में उपलब्ध होते हैं BIS के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है
पेयर की बात करें, ट्रेमल में पेयर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेमल में पेयर के बारे से, लगभग लगभग ये पेपर में पूछा ही जाता है। तो ट्रेमल में जो पेयर होते हैं, तो यहाँ पर बताया कि दो स्लाइडिंग हेड हैं, तो दो स्लाइडिंग पेयर, और इसको यदि आप घुमा भी सकते हो, आगे पीछे मूव करा सकते हो, साथ ही साथ में उसको क्या कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर दो पेयर होता है, एक स्लाइडिंग पेयर और दूसरा होता है टर्निंग पेयर। तो जनरली यहाँ पर दो दो हैं, ठीक है, एक में एक स्लाइडिंग और एक टर्निंग होगा, तो दो हैं तो क्या हो जाएंगे इस पर, दो स्लाइडिंग पेयर और दो टर्निंग पेयर होता है। ठीक है, ट्रेमल पर क्या रहेंगे, दो स्लाइडिंग पेयर और दो टर्निंग पेयर होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा ही जाता है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें दो स्लाइडिंग और दो टर्निंग पेयर होता है, तो वो कौन सा है, ट्रेमल। और ट्रेमल का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, बड़े साइज के वृत्त या फिर चाप की मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।